हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो भाई करो, क्योंकि लाइफ जो है एक बार मिलती है। सो गाइज, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है कि जो आपके पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर हैं, आपका दोस्त है, नो कॉन्टेक्ट है, जैसा भी सिचुएशन है, आपका पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, उसकी डीप फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो हम चेक करने वाले हैं। सो आप रहिए बिल्कुल पॉजिटिव ताकि आपको पॉजिटिव रिसीव हो। ओके, गुड लक गाइज, ऑल द बेस्ट। सो भाई, भगवान जी को याद कर लो एक बारी दिन में, कर लिया करो। अभी आपका जो पार्टनर है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कच्चा है, सुनने में कच्चा दिखाई दे रहा है, कि सुनता कम है, मतलब कुछ और ही सुनता है, कुछ सुनता है, ऐसी सिचुएशन है उसकी, ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर की अगर हम फीलिंग्स देखें, तो अभी तो आपका पार्टनर फुल अकेला महसूस कर रहा है, अभी उसकी फीलिंग्स ही ना है, कुछ ऐसा लग रहा हो कि उसकी ज़िंदगी में कोई बचा ही नहीं है, कोई है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहा है आपका पार्टनर। अगर मैं बोलूं कि बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं दिख रहा है, एक्चुअली आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा है। बार बार मुझे लग रहा है कि सुनने में, या फिर तो आपकी सुन ही नहीं रहा है, दूसरी चीज़ कि सुनने में कच्चा है, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर को ना लव से ज़्यादा लस्ट दिखाई देता है, उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। लाइक ऐसा लग रहा है कि चाहे आपका पार्टनर हो चाहे आप हो, इसको एनर्जी एक्सचेंज करके, मतलब स्विच करके देख लेना कि कैसे क्या है, ठीक है, वो सिचुएशन देखते हैं हम। और अरे, उसके मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ी समस्याएं हैं उसकी लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि समस्याएं भी छोड़ दो तब भी वो पता नहीं क्या ही सोचे जा रहा है। चारों तरफ दिमाग लगाता है आपको जो पार्टनर है, वो चारों तरफ दिमाग लगाता है, वो वहीं के वहीं फंस जाता है, जबकि उसके पास एक रास्ता है कि वो एक पे फोकस करे, बट वो चार पे फोकस करना चाहता है, तभी वो भटक जाता है और तभी वो अटक जाता है। सिचुएशन तो यही कह रही है अभी हमारी, स्लो प्रोसेस में आपका जो पार्टनर है वो सोच तो रहा है आपके बारे में, बट अगर मैं देखूं कि डीप फीलिंग्स में क्या है, तो अभी थोड़ा कम सोच रहा है ना। यार, मेरा काजल फैल गया, अभी तो ऐसे बैठा पड़ा है, लाइक उसको एक्शन लेने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, और वो अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहा है ऑल ओवर सारी चीज़ों से, है ना, जो लाइफ में होती हैं सारी की सारी चीज़ें, लाइक दोस्तों से मिलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के लिए कुछ करना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि उसको ना किसी ने पीठ पे बहुत ज़ोर से बार कर दिया है, और वो वहीं से हिल ही नहीं पा रहा, और खुद को अकेला लाचार महसूस कर रहा है, रिग्रेट हो रहा है उसको चीज़ों को लेके, बहुत रिग्रेटफुल। यार, ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके हर फेज़ में, उसके हर मामले में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए और ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि उसको एक्शन लेना है, नेक्स्ट एक्शन में भी उसको क्या करना है। दूसरों की सुन के अगर करेगा तो कैसे चलेगा, बताओ। आपका पार्टनर पता है ज़्यादातर आपको फोर्स करता होगा किसी चीज़ के लिए, लाइक फिज़िकल रिलेशन के लिए, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, और वो अभी ना इस वक्त यही चाह रहे हैं, ठीक है, इंटीमेसी, या फिर आप चाह रहे हैं, आप एनर्जी स्विच करके देख लेना कि किसकी कैसी बन रही है ना। पता, वो आपका जो पार्टनर है ना, वो एक्चुअली ना अगर हम देखें ना, तो अभी थोड़ा नेगेटिव हो रहा है ना, नेगेटिव फीलिंग्स हैं अभी बहुत, लाइक बहुत पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, क्योंकि खुद ही समस्याओं से घिरा हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ ये बोलूँगी मैं कि लाइक वो जो वैसी कहानी नहीं कह सकते हम, चमगादड़ वाली कहानी, लाइक कि रात के अंधेरे में ही जागना, दिन में तो सोता ही रहता है, दिन में दिमाग ही काम नहीं करता है, वो पता नहीं देखना ही नहीं चाहता ना आगे चीज़ों को। मैं कह रही हूँ उसका नेगेटिव और आया अभी इस टाइम ना, उसको
और आ क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है आपके पार्टनर को। इमोशनली ड्रेन भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली नहीं रही हैं जो एक्चुअली सही जानी चाहिए। क्योंकि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे को भी बहुत वैसा लग रहा है, लाइक जो कैंडल की फ्लेम है वो जिस तरफ जा रही है, मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है फील, लाइक नेगेटिव एनर्जीज एंड कोई ऐसा एक नेगेटिव इंसान नहीं होता है, बड़ा सा नेगेटिव सा बहुत ज़्यादा। इतने लोगों से तो घिरा रहता है आपका जो पार्टनर है या आप हो सकते हैं, बहुत लोगों से घिरे रहते हो आप लोग। ऐसा लग रहा है कि उसने ना जो बीज बोया था ना लाइफ में, उसने मतलब अगर प्यार का बीज बोया था ना, तो वो पूरा काला पड़ गया है, लाइक नेगेटिव हो गया, सूख गया है पेड़ एक तरीके से, ऐसी सिचुएशन बोलूँगी मैं। नेगेटिविटी बहुत है अभी आपके पार्टनर के ऑरा में, बहुत ज़्यादा। सुनना इसीलिए तो नहीं चाहिए, ज़्यादा लोग एडवाइस करें ना तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। क्योंकि चार लोगों से अगर आप समस्या का समाधान मांगोगे, और जो कि आपका पार्टनर यही करता है, चार लोगों से समस्या का समाधान मांगेगा तो गड़बड़ी होगी ना उसकी। तो एक से दो से मांग ले तो भी ठीक है, अब और लोगों से मांगे तो होगा ही ना। ऐसा लग रहा है कि फुल मून के बाद चेंजेस आएंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ना, आपके लिए चेंजेस आएंगे फुल मून के बाद, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, बड़ी डामाडोल है, ठीक है। बहुत लोगों का हाथ है इस केस में, आपके केस में। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है या बातचीत नहीं हो रही है, तो आप दोनों के बीच में कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये बता दे रही हूँ मैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या हैं। जैसे कि मैंने बोला था, स्लो मूव स्लो एनर्जी, पहला ही कार्ड निकल के आया है। दूसरा कार्ड निकल के आया इमोशनली ड्रेन, जैसे कि मैंने बोला है, मूव ऑन वाली सिचुएशन ड्रेन, ठीक है। नाइट में दिक्कत हो रही होगी उसको सोने में, मैंने बोला ही है पहले ही, रात भर जागना, ठीक है। मूव ऑन करना, अपसेट, रिग्रेट, सब चीज़ें आपके पार्टनर की ना, उसको बहुत समस्या ये चीज़ हो रही है कि सच में उसने आपको छोड़ के गलती करी है, उसको रिग्रेट फील हो रहा है, अभी आपका ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि पुरानी चीज़ों को देखे जा रहा है। दूसरी चीज़ कि मूव ऑन करना चाहता है इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहता है। दूसरा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो इमोशनली ड्रेन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट जो होती है ना किसी की, इंसान की टूट जाती है, लाइक उसको लगता है कि हमारा इमोशनल बॉन्ड है ही नहीं किसी के साथ। तो अभी उसके साथ यही समस्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है ना, उसको लगा कि आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है उसका, बट अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उसका इमोशनल कनेक्शन आपसे बेहतर, मतलब आपके साथ जब वो था या जब वो होता था या है, तो उसको बहुत कंफर्ट फील होता है, लाइक उसको ऐसा लगता है किसी ने मेरे इमोशंस की कदर करी है ना। जबकि वो धोखेबाज है एक नंबर का, जो आपका पार्टनर है ना, या तो आप धोखा देते हैं बार बार ही, या फिर आपका पार्टनर धोखा देता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करो भैया, और थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह यूज़ करो, ठीक है, ये आपको समस्या का समाधान देगा, है ना। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। हाँ, अभी तो लॉयलिटी मन में आ रही है उनके, कि हम क्यों लॉयल नहीं थे, क्यों ऐसा किया हमने, क्यों हम भागे, ठीक है। अभी तो आपको एम्प्रेस समझ रहे हैं वो, और उनको लग रहा है कि आपको अगेन एक ऑफ़र दिया जाए प्यारा सा, ठीक है। और अभी आपको ये समझ रहे हैं एम्प्रेस, और एम्प्रेस तो आप जानते ही हो, मतलब रानी, रानी की तरह रखना, रानी हो आप उनके दिलों की। अभी उनको फुल रियलाइजेशन हो रही है, फोकस भी करना चाह रहे हैं। देखो, आप इतने अच्छे हो ना एक्चुअली, ठीक है, तो आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, एकदम ग्राउंड ग्राउंडेड पर्सन होता है ना, ग्राउंड टू अर्थ वाला, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, उसके पास भले ही कितनी भी नाम पैसा शोहरत क्यों ना आ जाए, फिर भी वो आदमी ज़मीन से जुड़ा रहता है, वही स्थिति आपकी है। तो अभी फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है इनको, इनको लग रहा है कि इन्होंने धोखा दे के गलत किया,
अभी तो आपको प्रपोज करने का भी सोच रहे हैं, कहीं मैरिज कमिटमेंट उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी शादी की बात चल रही है या फिर शादी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। उनको लगता है कि उनको एक पॉजिटिविटी, एक कमिटमेंट देनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड आपके साथ काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है ये रिलेशन, उनको ऐसा फील होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं इस टाइम, ठीक है। लाइक उनके ज़िंदगी में नेगेटिविटी है लेकिन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं कि मैंने गलती करी है, मैंने धोखा दिया है, मैंने बोला ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है गाइज। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग, लेकिन हम आपको सेल्फ केयर मैसेज भी दे देते हैं कि सेल्फ केयर मैसेज क्या हो सकते हैं आपके लिए, तो हम वो भी देख लेते हैं सेल्फ केयर मैसेज आपके लिए क्या है। पहला तो है म्यूज़िक, थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक सुनो आप, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, चाहे लाइट सुनो चाहे जैसा आपको दिल अच्छा करेगा। दूसरा है ब्यूटी रिचुअल्स, आप बढ़िया अपनी केयर करें और ख़ासकर लड़कियां नेल पेंट वगैरह लगाएं, मेहंदी एंड ऑल, मतलब कुछ भी कर सकती हैं आप, अपनी ब्यूटी रिचुअल करिए, है ना, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, सेल्फ केयर है ये, है ना। तीसरा प्लेजर फील करें, आप अच्छा फील करोगे डेफिनेटली। और हाँ, जो खासकर लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं हमारी, वो थोड़ा सा देखें कि ऐसा लग रहा है कि कंसीव भी करने वाली होंगी कुछ टाइम में। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप थोड़ी केयर करें लोअर पार्ट में, ओके। लास्ट है जो आपको कमाना है पैसा, कहाँ से क्या कमाना है उसकी थोड़ी प्लानिंग करें। दूसरी चीज़ कि आप डांस भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस निकल के आते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। पहला तो आई है हमारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच, ठीक है। पहला मैसेज तो आया है यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। दूसरा मैसेज है हमारे पास, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। देखो जैसे कि मैंने बोला, बड़ा अच्छा समझ रहे हैं आपको इस टाइम। यू आर माई इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स, यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन, एंड लास्ट वन इज़ है यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो गाइज ये थी आज की हमारी रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके करें, और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप मुझे कॉल ना करें, आप मुझे मैसेज करें, फिर मैं कॉल का ऑप्शन बताऊंगी कि कॉल के ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, बट पहले से कॉल बिल्कुल भी ना करें। टेक केयर, बाय गाइज एंड हैव अ नाइस डे।